अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ए ट्यूशन उर्दू। स्टैंडर्ड फोर्थ के उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 4 है, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। तो आज इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, किसान का नाम क्या था? तो जवाब है, किसान का नाम मनसा था। दूसरा सवाल है, किसान की बीवी क्या पका रही थी? उसका जवाब है, किसान की बीवी पूरियां पका रही थी। सवाल नंबर 3, बावर्ची खाने में कौन आया? उसका जवाब है, बावर्ची खाने में किसान का बेटा रुद्धू आया। सवाल नंबर 4, पूरी घर से निकलकर किस तरफ भागी? जवाब, पूरी घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। 5वां सवाल है, भट्ट के अंदर कौन बैठा था? तो इसका जवाब है, भट्ट के अंदर लोमड़ी बैठी थी। आखिरी सवाल है एक जुमले का, पूरी की तलाश में कुत्ते क्या करते फिरते हैं? तो इसका जवाब है, पूरी की तलाश में कुत्ते आज भी हर वक्त ज़मीन सूंघते फिरते हैं। ये एक जुमले के सवाल जवाब हो गए। अब नेक्स्ट है मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर का पहला है, पूरी कढ़ाई से क्यों निकल भागी? तो इसका जवाब देख लेंगे। किसान की बीवी ने पूरियां पकाना शुरू की, कुछ पूरियां बनी थी कि इतने में किसान का बेटा आ गया। माँ ने उसका हाथ खींचकर पल्लू से नाक पोंछी, इतने में पूरी जलने लगी। इस बात का पूरी को बुरा लगा और वो कढ़ाई से निकल भागी। सबक में देखा है हमने कि किसान की बीवी गुड़िया जैसी पूरियां बनाना शुरू करती है तो किसान का जो बेटा है बुद्धू, वो बावर्ची खाने में आ जाता है। उसकी नाक बह रही होती है तो उसकी जो माँ है वो उसका हाथ खींचकर उसकी नाक पोंछती है, तो इतने में पूरी जलने लगती है और इसी बात का पूरी को बुरा लगता है तो वो क्या करती है, कढ़ाई से निकल कर भाग जाती है। दूसरा है, पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहाँ क्या हुआ? का जवाब है, पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो उसने देखा कि एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने पूरी को देखा और इरादा किया कि वो भी पूरी को चट कर ले। ठीक है, अब ये मुख्तसर भी हो गए। नेक्स्ट है, सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पहला है, किसी गाँव में एक डैश अपनी बीवी के साथ रहता था। तो इसका जवाब है, किसान। किसी गांव में किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। दूसरा है, मनसा के खेतों में डैश की फसल खूब हुई थी। कौन सी फसल खूब हुई थी? गेहूं की। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई। तीसरा है, खेत से निकलकर डैश को एक खरगोश मिला। तो किसको मिला था खरगोश? पूरी को। चौथी और आखिरी खानापूरी है, उन्होंने भी डैश किया कि उस पूरी को चट कर ले। तो इसका जवाब है, इरादा। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर ले। इसके बाद अगला सवाल है, बताइए ज़ैल के जुमले किसने कहे? पहला है, ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर में इन्हें पूरियां खिलाना। तो अब सबक में देखा था हमने, ये जुमला किसने कहा था? किसान ने कहा था, किसान ने अपनी बीवी से कहा था। ठीक है, दूसरा है, बी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं, तो ये पूरी ने कहा था। तीसरा है, तेरी शेखी का मजाक तुझे चकाती हूँ, तो ये किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था। चौथा और आखिरी है, बी पूरी क्या कहती हो, मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ, ये किसने कहा था? कुतिया ने कहा था। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।